अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रियाद के सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। मैं अपने इंडिया के कुछ मुसलमान भाइयों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ जो मैं आज देख करके आया। मेरे कुछ रिश्तेदार मदीना आए हुए थे तो मैं उनसे गया मिलने के लिए, और उन लोगों की हालत जो मैंने मदीना में देखी तो मुझे तरस आ गया। तरस इस बात के लिए आया कि ये लोग बेचारे अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जमा करके 2 लाख 2.5 लाख रुपए जमा करते हैं बेचारे, और इतने शौक़ से हज के लिए आते हैं कि चलो अल्लाह का ये इस्लाम का ये एक अरकान है हज, जो कि पूरा कर लें। आप लोग ये हज कमेटी वाले ने मैंने देखा एक रूम में 7-7-8-8 आदमी डाले हुए हैं। हर रूम में कहीं पे एक बैग रखने की जगह नहीं होती है बेड के बाद में। दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे ये गंदी लगी, चलो ठीक है आप 7 आदमी डाल रहे हो, मजबूरी होगी, आपको नहीं मिला, आप पैसा बचाना चाह रहे होगे, कम से कम खर्च में करना चाह रहे होगे, तो मैंने देखा कि आप किस हिसाब से आपने औरतों को उसी रूम में डाल दिया। माने 4 मर्द सोए हुए हैं, 2 औरतें सोई हैं, वो औरत जो कभी जिंदगी में एक दूसरे को नहीं देखी है, और आप उन औरतों को डाल रहे हो, जबकि आपको ये पता है कि महरम और गैर महरम किसको बोलते हैं, और वो भी हज के मौके पे जो इसका खास ख्याल रखा जाता है। आपको पता है कि किसी गैर मर्द के साथ जो है आदमी जा नहीं सकता, सफर नहीं कर सकता, खास के हज का नहीं कर सकता, और आपने उसको एक रूम में डाला हुआ। ये तो नहायत ही गिरी हुई हरकत आप लोग कर रहे हैं, जानवर के जैसा आप लोग ट्रीट करते हैं उसको। ये हज कमेटी वाले ट्रीट करते हैं, एक आदमी किसी कोई हज कमेटी का नहीं दिखता है, जबकि हज कमेटी हर साल सिलेक्शन करती है आदमी को, क्या है तो खिदमत के लिए भेज रहे हैं। वो आदमी कहाँ है कोई नहीं नजर आता है, किसी पे नजर नहीं पड़ती है, वो लोग आराम से घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, ऐश मौज करते हैं, और वो अपनी पेमेंट लेकर के फिर इंडिया चले जाते हैं। ये सब लोगों की मिली भगत से होता है ऐसा, मुझे देख के तो शर्म आने लगी कि ये इंडिया वालों की ये हज कमेटी की ये हरकत। मुझे जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वो इस बात का ऑब्जेक्शन है कि आपने किस बिना पे, किस जगह पे, किस फतवे से, किस हदीस से ये आपने इस तरह का किया कि औरतों को भी उसी में डाल दिया और मर्दों को भी उसी में डाल दिया। पैसे के नाम पे आप कितना लेते हो ये ओपन है, 2 लाख तो कम से कम है आपका, 2 लाख में आप क्या फैसिलिटीज दे रहे हो, एक प्लेन के आने जाने का टिकट और एक वही छोटा सा बेड दे रहे हो। आप लोगों ने मीना में वही हाल बना करके रखा, मीना में इस तरह का हाल आपने कर दिया कि जो है पैर रखने की जगह नहीं है लोगों को, अगर रात में कोई आदमी उठे तो बदन पे चढ़ करके पार होगा, इतना सटा सटा के, 4 इंच का भी फर्क नहीं है गद्दे में, जानवर के जैसा आप लोग डाले हुए हो। इस बार आप लोगों ने नया ड्रामा शुरू किया, आपने अजीजिया में ले जा करके दे दिया। पहले तो हर साल मक्का में आता था, हाजी लोग जो है चलो 2-3 किलोमीटर पल के चले आते थे, आपने कहाँ डाला, अजीजिया। अब अजीजिया से आप लोगों को पता है कि सऊदी गवर्नमेंट तो जो है वो बेचारी फैसिलिटीज देती है अपने हिसाब से, पूरी बस फ्री किए हुई है, तो आपने सस्ते पैसा बचाने, ये सब चोर बाजार ही है ये, और ये सब चोर है ये पूरे हज कमेटी वाले चोर हैं, ये सब पैसा खाते हैं, चोरी करते हैं, ये इस्लाम के नाम पर धोखेबाज है सब लोग, ये धोखा देते हैं मुसलमानों को, औरत मर्द सब एक कमरे में डाले हुए हैं। ये क्या शर्म है, शर्म से डूब मरो तुम लोग, इस तरह की हरकत करते हो। ये भी मैनेज नहीं कर सकते हो कि औरतों को एक रूम दिया जाए, अलग दिया जाए, मर्द को एक रूम अलग दिया जाए। वैसी औरतें जो बेचारे हज के लिए आई हुई हैं, कोई फंक्शन में आई हैं या पार्टी करने आई हैं, पूरी जिंदगी का पैसा जमा करके आई हैं, आप लोग उनके हज को खराब करवा रहे हो, और आप अपने पैसे के लिए करवा रहे हो, पैसा बचाने के चक्कर में। ये नहायत ही गलत है। मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूं ताकि नेक्स्ट ईयर से इस तरह का ये लोग हरकत ना करें, और मुझे मुसलमान, इंडिया के मुसलमान से खास अपील है, मुसलमान भाइयों आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये बात हज कमेटी के जो बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हुए हैं उन लोगों तक बात ये पहुंचे। इस पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन उठाइए कि ऐसा क्यों किया गया, किस बिना पे किया गया, क्यों ऐसी हरकत की गई, क्यों औरत और मर्द को, महरम और गैर महरम का तमीज नहीं आप लोगों को। आप लोग इस्लाम की बात करते हो, आप लोग हज के लिए लोगों को लेके आते हो, जब नहीं मैनेज होता है तो क्यों लेकर के आते हो, चार्ज तो आप पूरा ले रहे हो, आप तो चार्ज में कोई कमी नहीं कर रहे हो।
7 घंटा 8 घंटा जो है आप एयरलाइंस के लिए खड़ा करवा देते हो सिर्फ कि होटल का बिल ना भरना पड़े। अरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 4 घंटा पहले रिपोर्टिंग बहुत है, आप जो है रात रात भर जो है खड़ा रखते हो हाजी लोगों को, परेशान हो जाते हैं लोग बेचारे एयरपोर्ट पे बिछा करके पड़े हुए हैं। फ्लाइट सुबह की है तो रात में 9 बजे आप लोग एयरपोर्ट पे डाल देते हो उनको ले जा करके, ना कोई खाने वाला का पूछने वाला, ना एक वक्त पानी का पूछने वाला, नफसी नफसी का आलम आप लोग बना देते हो। लोग बेचारे अच्छे हैं, खामोश रहते हैं, सुन लेते हैं, सह लेते हैं, ये अब नहीं सहा जाएगा हज कमेटी वालों, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं ये लड़ाई ला आखिर आखिर तक लड़ूंगा, मैंने ठान लिया है। जो मैं देख के आया हूं मुझे बहुत ही गुस्सा आया ये देख करके। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।